नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। साजापुर में मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा होट बाजार की भूमिका में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने हेतु एसडीएम महोदय को आवेदन कमल चौधरी के द्वारा दिया गया था और श्रीमान महोदय के द्वारा 12 मार्च को आवेदनकर्ता कमल चौधरी को तहसीलदार महोदय जांच दल के साथ निरीक्षण कर पहुंचे तो होट बाजार की भूमिका में अवैध निर्माण कार्य चलता हुआ पाया गया और श्रीमान तहसीलदार महोदय के द्वारा अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। पहले भी ग्राम पंचायत मोहन बड़ोदिया द्वारा शिकायत की गई थी। दिनांक 6 तारीख को आपके द्वारा एसडीएम को एक शिकायत पत्र दिया गया था, दिया था ना? उस संबंध में एसडीएम महोदय के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? एसडीएम महोदय को मैंने ग्राम पंचायत मोहन बड़ोदिया की जो विगत 5 वर्षों से जो ये हाट बाजार की भूमि इन्होंने बेची है, लाखों करोड़ों रुपए की शासन की हेराफेरी करी, उस संबंध में मैंने जो धड़ल्ले से अभी निर्माण कार्य जो चल रहा था जोरों पे, हमने एसडीएम साहब को शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि माननीय हमने उच्चतम न्यायालय में भी इसकी निगरानी उठाई है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश भी एसडीएम कलेक्टर को मिले थे, उस संदर्भ में कि साहब अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो एसडीएम साहब ने तत्काल इस कार्य को संज्ञान में लेते हुए तत्काल तहसीलदार साहब को उनने एक पत्र जारी करा एसडीएम कार्यालय के माध्यम से, जिसका परिणाम है कि आज एक दल आया था कि जिसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी के द्वारा पूरा सब मौका स्थल लेकर मौके के पंजा में बनाए गए और उसमें जो मैंने शिकायत करी थी वो शिकायत जो जांच करता था उसके माध्यम से सही पाई गई, निर्माण स्पॉट पे चलते हुए पाए गए और बहुत सारी बिल्डिंगें तो खड़ी हो चुकी है इस मामले में और आगे उनकी उनको उच्चतम माननीय उच्चतम न्यायालय ने 120 दिन का समय कलेक्टर साजापुर को दिया है कि इसका सारा संज्ञान में लेकर उच्चतम न्यायालय में पेश करें। आपका जो है आपके द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई थी जिसमें वर्तमान सरपंच के द्वारा आवासीय भूखंड में व्यवसाय दुकान का निर्माण किया गया था, उस विषय में भी पहले जो है आदेश हुए थे उसमें भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके मामले में जो के मालवी जी के जो 4-5 उनने आरोप सिद्ध किए थे, इनको ऊपर FIR दर्ज कराना, धारा 40 से हटाना और 1,70,00,000 की शासन की जो गाइडलाइन की जो राजस्व हानि उसकी वसूली के इनको जो आदेश दिए गए थे उस संबंध में भी हमने शिकायत करी है और माननीय एसडीएम श्री मालवी जी ने हमको पूरा भरोसा दिलाया है कि इसके निश्चित तौर पे हम 1,70,00,000 की वसूली शीघ्र करने जा रहे हैं और जो भी वर्तमान में भी जो निर्माण चल रहा है इसकी भी वसूली इनके सचिव सरपंच ग्राम पंचायत मोहन बड़ोदिया की जाएगी। एसडीएम साहब के द्वारा जो है तहसीलदार को आदेशित किया गया इस संबंध में कि तत्काल प्रभाव से इसमें रोक लगाई जाए निर्माण कार्य के। हाँ, उसकी एक कॉपी मेरे को मिली है। आपको तहसीलदार साहब के द्वारा सूचना दी गई थी? दी गई थी ना, उसकी आपको कॉपी दी गई? कॉपी दी गई है और जो स्पॉट पे जो अधिकारी आया है मेरे को बुलाया, वहाँ पे शिकायतकर्ता मैं था, मेरे को बुलाया, मेरे सामने पंचनामे में मैंने मौका का निरीक्षण करवाया, जो निर्माण कार्य जो मैंने शिकायत कही थी जांच दल ने भी उसको सही माना और उसमें मौके में पंचनामे हजारों लोगों ने उस पंचनामे पर साइन की। और श्रीमान एसडीएम महोदय के द्वारा जो आदेशित किया गया तहसीलदार मोहन बड़ोदिया को, उनको कितनी समय अवधि दी गई श्रीमान एसडीएम साहब के द्वारा? उसमें समय अवधि का तो मेरे को जो पत्र उन्होंने कॉपी दी वो एसडीएम कार्यालय से शिकायतकर्ता को उसमें ये तो लिखा, लेकिन उसमें अविलंब कार्रवाई करने की निर्देश माननीय अनुभाग के अधिकारी साजापुर ने तहसीलदार मोहन बड़ोदिया को दिए हैं, तत्काल कार्रवाई नहीं करेगी तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी, अगर वो कार्रवाई नहीं करता तो इसके हम फिर माननीय उच्चतम न्यायालय या एसडीएम कार्यालय को अवगत कराएंगे अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको शुभ नाम जान सकता हूँ? कमल चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि।